नमस्कार, जेएनए न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी के विधानसभा लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बेस्ट प्राइस वॉलमार्ट में कार्यरत कर्मचारियों पर किस तरीके अत्याचार किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनको 6300 रुपया पर मंथ दे करके उनका शोषण किया जा रहा है। आजकल महंगाई में इतने में लेबर भी नहीं मिलेगा, फिर भी ये लोग काम कर रहे हैं और लगातार उनका शोषण किया जा रहा है। मजबूर होकर के आज सभी कार्यकर्ताओं ने बेस्ट प्राइस के मेन गेट का ताला बंद करके धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी अधिकारी इंचार्ज उनकी खबर लेने नहीं पहुंचा। जब इस संबंध में हमारे संवाददाता ने वहां के एचआर आशीष शर्मा और स्टोर मैनेजर अमित कुमार वाजपेयी से जानकारी लेना चाहा, तो उन्होंने मीडिया के सामने कुछ कहने से साफ इनकार कर दिया। आखिर ऐसा क्यों वहां के इंचार्ज उन धरने पर बैठे कर कार्यकर्ताओं की बातों को संज्ञान क्यों नहीं लिया? इससे साफ जाहिर हो रहा है कि धरने पर बैठे धरनाकर्मियों का खुलेआम शोषण किया जा रहा है और कहीं न कहीं वहां के इंचार्जों की कमी है। आइए देखते हैं संतोष कुमार शर्मा की एक रिपोर्ट। वॉलमार्ट में लेकर के आखिर क्या मुख्य समस्या है जिस वजह से आप लोग यहां पर आज विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं? ये वॉलमार्ट जो है हम लोगों का शोषण कर रही है और हम लोग स्किल्ड में आते हैं, नॉन स्किल्ड की सैलरी दे रही है और हम लोगों को शोषित कर रही है। एक प्रकार से ये बदले की भावनाओं से हम लोगों से काम कराते हैं और यहाँ के जो मैनेजर लोग हैं, स्टोर मैनेजर, एचआर, ये लोग अपना मैनेजमेंट जो है हम लोगों को जो है बहुत शोषित कर रहा है। 9-9 घंटे 10-10 घंटे हम लोगों से वर्क कराती है और 8,000-9,000 रुपये में हम लोगों से वर्क कराती है। और मुझे अभी जो है भेजा जा रहा है, बहुत दूर मेरा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसमें 8,000 रुपये सैलरी में भेजा जा रहा था। तब मैंने इनका विरोध किया, मैंने उनसे बोला कि सर जो है आप मेरी सैलरी अगर इम्प्रूवमेंट करते हैं तब मैं जाऊँगा, लेकिन इन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और मुझसे बोले कि आप जबरदस्ती जाना ही पड़ेगा। मैंने लेबर कोर्ट के द्वारा इनके ऊपर केस भी किया था इसी के तहत कि ये मेरी सैलरी जो है अनस्किल्ड की दे रहे हैं, तब इन लोगों ने जो है उसके बदले के भावना से मुझे वहाँ भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आखिर क्या समस्या है जिस वजह से आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं? वॉलमार्ट में एसोसिएट्स का शोषण होता है और यहाँ पे 6,325 रुपये बेसिक सैलरी दी जाती है, जिससे कि किसी के भी घर का खर्चा नहीं चल सकता। और यहाँ ये सब बदले की भावना से सबका ट्रांसफर कर देते हैं, अगर कोई आवाज उठाता है इनके खिलाफ तो ये टारगेट करने का टारगेट बनाते हैं। आज किस तरह से विरोध जता रही हैं आप? आज तो सर धरना देखो हम लोग शांति। आज हम लोग यहाँ समस्या ये है कि हमारी जो सैलरी है, बेसिक सैलरी 6,325 है, वो जो कि अनस्किल्ड को मिलती है और हम लोग स्किल्ड हैं, हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोषण होता है, 9 घंटे काम हमसे कराया जाता है, उसमें भी जो है हमें 9 घंटे प्रेशर से काम कराया जाता है, 9 घंटे में 12 घंटे का काम कराया जाता है हमसे। हम लोग ही पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं हर काम के लिए। हमें दूसरी चीज़ ये होती है, हम अगर अपनी प्रॉब्लम लेके मैनेजर के पास जाते हैं तो मैनेजर बोलते हैं ये कंपनी का प्रोसेस है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा, इसको लेके आपके प्रॉब्लम। इसके पहले आज के पहले शिकायत की अपने मैनेजर से? छोटे छोटे इश्यूज को लेके हम लोग ने शिकायत की, बड़े इश्यूज को भी लेके शिकायत की। मेरे भाई ने लीगल केस किया है सैलरी के रिलेटेड और उसी के एवज में इसको जो है ट्रांसफर दिया जा रहा है। मैंने भी बहुत सारी शिकायतें की और मैं अपने इस डिपार्टमेंट में हर चीज के लिए एकदम विरोध करता हूं और उसी से रिलेटेड मेरा भी ट्रांसफर किया जा रहा है और ऐसी सैलरी पे किया जा रहा है कि जिस पे कुछ नहीं हो सकता है। मैं यहां से 40 किलोमीटर सिंगल साइड ट्रेवल करूंगा, एक दिन में मैं कोई बंदा 9,000 सैलरी के लिए, 9,000 मैक्सिमम सब इंसेंटिव जोड़ के कंपनी का टोटल मेरी बेसिक सैलरी 6,325, उस 6,325 सैलरी के लिए एक बंदा 80 किलोमीटर डेली ट्रेवल करके कहीं काम करेगा, आप सोच सकते हैं ये कैसी कंडीशन है। और उसमें इसके अलावा कुछ नहीं।